सब लोग भाई, पहले तो जोक बोलने के बाद सॉरी बोलना होता है, बट पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। मुझे लास्ट ईयर बिग बॉस से कॉल आया था, तो मैंने बोला कि क्यों सलमान भाई होस्ट क्यों नहीं कर रहे, मैं तो 50 लाख लूंगा होस्टिंग का। तो इन्होंने बोला 36, तो मैं बोला आपका ना मेरा 40 में डन करते। तो बोले तेरे से 36 आते हमारे पास, हमने कंटेस्टेंट के लिए कॉल किया है। बोला अच्छा, बट कुछ रीजन की वजह से मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर इस बार कॉल आया और इस बार इन्होंने बोला कि इस बार थीम अलग है। बोला क्या है? बोले दिल दिमाग और दम। मैं बोला यार ये इंटरेस्टिंग है, आपको भी लगा इंटरेस्टिंग? क्योंकि मर्द आदमी 3 जगह से सोचता है, दिमाग, दिल और पेट। तो मैंने बोला मैं जाऊंगा किचन में, क्योंकि देखो फिक्शन में चाहे बहू रसोड़े में हो, लेकिन रियलिटी में तो बेटा भी रसोड़े में हो ही सकता है। फिर उन्होंने बोला कि हम कुछ बताना चाहते तेरे को शो के बारे में। बोला बताओ। बोले तू इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। बोला आपको कैसा पता मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता? बोले नहीं नहीं हम बता रहे कि अलाउड नहीं है। बोला हाँ फिर ठीक है। भाई बिग बॉस की आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या आवाज है! तानसेन की आवाज सुन के पता बारिश गिरने लगती थी, बिग बॉस की आवाज से ना बाकी शो की TRP गिरने लगती। और मैं इस शो के लिए मना कर भी नहीं सकता, मैं डोंगरी भाई डोंगरी से रहता हूँ, तो एकदम छोटे घर में रह लेना हम लोग। और बिग बॉस का क्या आलीशान घर है, मतलब यहाँ पे वोट नहीं मिलने पे ऐसा बाहर चले जाते ना घर के, हमारे पे ऐसा करवट भी लेते ना तो घर के बाहर निकल जाते। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिग बॉस के घर के लिए। और एक चीज मैंने ये भी नोटिस करी है कि बिग बॉस के घर में लोगों को प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक 10 दिन में ही आशिक बन जाते हैं। क्योंकि इंप्रेस करना बहुत आसान है ना, बाहर की दुनिया में कितना मुश्किल है, फूल ला वादे करो, है यहाँ पे नहीं है। 2 हफ्ता नॉमिनेट ना करो, अरे इसने मेरे को बचा लिया, पूरी दुनिया के सामने मेरे लिए स्टैंड ले लिया इसने। अरे वो यहाँ पे ना बाहर जाने के बाद अपनी माँ के सामने भी स्टैंड नहीं लेगा वो, क्योंकि उसकी दुनिया उसकी माँ ही है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी लास्ट में एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी कॉन्ट्रैक्ट में, पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा लिखा कि अगर उसमें सलमान भाई कभी आपको बोलते हैं कि तू बाहर मिल मेरे को, तो उसका मतलब आपसे दोस्ती हो गई या बाहर दावत पे नहीं बुला रहे। ऐसी सिचुएशन में हमारी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोला उन्होंने, आप ही बता दो। बहुत अच्छे, घर के अंदर जा रहे हो तो घर के बाहर अभी मिल लेता हूँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। चलो इस घर में आना हो ही गया आपका भाई। वही मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, कन्फर्म है ना मैं जा रहा हूँ ना भाई। देखो भाई ऐसा होता है ना कि अब स्टैंड अप का इनको लेवल पता चल गया है, अब वो डिसाइड कर रहे हैं पीछे कि तुम घर में जाओगे कि नहीं जाओगे। जोर से बाहर, तुम्हारी वजह से हमें पता चला है कि बिग बॉस की सिर्फ एक आंख ही नहीं है, एक टांग भी है जो आपको देते रहते हैं। भाई 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पहले एक बार बुलाया, फिर मेरे को नहीं लेके गया अफ्रीका, फिर एक बार फिर स्टैंड को लेके चले गए। तो इस बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। अब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि गिरफ्त में रहना, हिरासत, हवालात, ओके ये सब लकी है तुम्हारे लिए? नहीं भाई, लकी कैसे हो सकता है, आपको तो मालूम है भाई ये सब लकी नहीं होती है, बिल्कुल भी लकी नहीं होती है। बिग बॉस के घर में जा रहे हो, पता है ना कि इस बार बिग बॉस बहुत बायस होने वाला है, पार्शियलिटी करने वाला है। Yes. तो आपकी जमेगी कि नहीं इस पार्शियलिटी से, और ये जो नया तेवर है बिग बॉस का बायस होने का? भाई मुझे लगता है कि बायस्ड से प्रॉब्लम तब तक ही होती है जब आपके खिलाफ हो। तो आई थिंक अगर मेरी साइड बायस रहेगा तो तब तक प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बिग बॉस को बाटली में उतार लेंगे, बिग बॉस टोटल पूरा टाइम देख रहे, तो देखते अगर बायस्ड हुए बिग बॉस हमारी साइड तो मजे करेंगे, अगर नहीं हुए तो कोई और मजे लेके चला जाएगा। देखो बाटली में तो नहीं उतार पाओगे आप बिग बॉस को, ये सही बात है, क्योंकि बिग बॉस पूरी बाटली पी जाते आग से पीते। नासा वाले है ना, उन्होंने हमें एक टिप दी जिसमें पता चला कि आप बहुत अच्छे शायर भी हो। सरहाना खाली मुझे याद तेरी आ रही है, भूख मर चुकी है फिक्र तेरी खा रही है। रोते भी अच्छा खासा, ये साइड भी है मेरा। कोई बोलते कि तू कैसा कमेडियन है, तू कभी ऐसी ऐसी इंटेंस बातें बोलता है, ये रोते 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 मुझे नहीं मिली भाई, छोड़ के चली गई। डर तो होता है। तुम तो यही ले रहे हो। हंसना चाहिए इस दर्द में।
चलो ये हुनर भी आपका आजमा लेते हैं एक चैलेंज के साथ। मैं दूंगा आपको बिग बॉस के घर के थोड़े से कुछ रिलेटेड सिचुएशंस। ओके, बिल्कुल। और आपको उन पे करनी है शायरी। जी तो हो जाए मुनावर का मुशायरा। बिल्कुल करते हैं। सेटअप ले आओ। तो मैं आपको देता हूं पहला सिचुएशन। खुद को बाकी सदस्यों के सामने शायर